अमृत निधि न्यूज पटना की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ यूथ हॉस्टल पटना में जस्टिस फॉर सोसाइटी, जो कि सामाजिक संस्था है जिसका काम है सामाजिक जागरूकता और समाज में न्याय व्यवस्था कैसे कायम हो, इसके लिए विगत 4 वर्षों से संघर्षरत है यह संस्था। आइए इस अवसर पर मिलते हैं जस्टिस फॉर सोसाइटी के संस्थापक सचिव एडवोकेट प्रकाश रंजन जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अमृत निधि न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और बधाई कि इस संस्था का 4 वर्ष होने को है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संस्था के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, जस्टिस फॉर सोसाइटी। सर ये संस्था पिछले 4 सालों से न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए पहल कर रही है, लोगों को जो है कानूनी जागरूकता दे रही है और जहाँ पर विवादों के घेरे में आम जनता हमारे साथीगण रुकते हैं उन्हें मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों यह संस्था 4 साल पहले नींव इसलिए रखी गई कि कहीं ना कहीं मैं अधिवक्ता पेशे से जुड़ा पिछले 8 साल पहले यानी 2011 में और 2011 से जब न्याय प्रणाली का व्यवस्था देख करके हमें काफ़ी मैं भौचक्का रह गया और मैं उस समय से मैं प्रण कर लिया कि न्याय व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए जिससे कि हम समाज में लोगों के प्रति प्रेम भाव सहानुभूति और डर भय दूर हो। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैं उच्च पदाधिकारियों को काफ़ी लिखा पढ़ी किया, उसके बावजूद भी कुछ सही मार्गदर्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्हें हमें मार्ग से भटकाने की जो प्रयास की गई, तब जाकर के हमने आम जनता के बहुत सारे संगठनों के साथ जुटा और उनसे आम जनता का सहयोग हासिल किया और इसी बीच मैंने जस्टिस फॉर सोसाइटी का गठन पिछले 4 साल पहले किया और वो पहला प्रोग्राम 19 नवंबर 2015 में स्थापित किया और वो प्रोग्राम हमारा यूथ हॉस्टल में युवा आवास में हुआ और उस सेमिनार में हमारे चाहने वाले बहुत सारे संगठन के संस्थापक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दोस्तों जस्टिस फॉर सोसाइटी एक ऐसी संगठन है जो लोगों को पुरानी सभ्यताओं के अनुरूप न्याय प्रणाली यानी न्याय व्यवस्था देने का काम कर रही है, यानी कि पंच परमेश्वर के रूप में जस्टिस फॉर सोसाइटी उभर कर आया है और आने वाले समय में यह जो दीप प्रज्वलित की जा रही है जस्टिस फॉर सोसाइटी, वो बिहार ही नहीं बिहार के अन्य स्टेट में इसकी नींव रखी गई है और वहाँ पर इसका परचम लहराया जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि न्यायपालिका का बोझ जो करोड़ों मामले से जो दबा हुआ है उसके बोझ को दूर करने के लिए यह संगठन रात और दिन यानी 24 घंटे निरंतर प्रयत्नशील और हमारे साथीगण हमारे सहयोगीगण जो मेरे साथ हैं और जो अलग अलग स्थानों पर पहल कर रही है 18 नवंबर को आने वाले सेमिनार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू एडवोकेट प्रकाश रंजन जी। ये जो आपका सेमिनार है राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है, नेशनल सेमिनार है? जी हाँ ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है और इसमें एक अहम भूमिका यह है कि हम लोग इस वर्ष लोगों में न्याय का दीप प्रज्वलित करने हेतु युवाओं को आगे अग्रसर करने के लिए एक ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन किया हूँ जिसमें ऑनलाइन भी ऐसे प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जो बहुत दूर दूर से लोग पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से डोनेशन भी दिए संस्था को आगे बढ़ने के लिए। ये कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल या नेशनल लेवल है? ये नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल का हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में? हाँ हिंदी और इंग्लिश भाषा में जो प्रतियोगिता का किया गया है इसके मैं कुछ हमारे पास एग्जामिनेशन रिटेन एग्जामिनेशन के कागजात कॉपियाँ भी हैं, मैं उनके बारे में आपको अवगत करा देता हूँ। ये हमारे एग्ज़ाम के बहुत सारे कॉपीज़ हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं।
ये हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो हुए हैं और इसी तरह से अलग अलग सेंटरों पर भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, जो 18 नवंबर तक जिनके सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे और जो बच्चे लोग विनर होंगे उन्हें हमारे चीफ गेस्ट और उद्घाटनकर्ता एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उनके पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें जो है मेडल दिया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है, इस निबंध प्रतियोगिता में जो है लड़कियां ज़्यादा भाग ले रही हैं, लड़के नहीं, इसमें तो लड़कियां ज़्यादा भाग ले, लड़कियां ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कॉलेज लेवल ये कंपटीशन है, ये कॉलेज लेवल का कंपटीशन है कॉलेज, इसी कारण जो है लड़कियां लोग ज़्यादा इसमें जुझारू हैं, ज़्यादा अग्रसर हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लड़कियां चाहती है कि समाज में न्यायिक व्यवस्था हो जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा जी, जी। और वो उन्हें मैं अभी से अवेयर कर दूंगा तो वो जो है कभी परेशानियों का सामना नहीं होने करने पड़ेगा। अभी जो आपका प्रोग्राम सेमिनार होने वाला है उसके बारे में दर्शकों को बताएं, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? दोस्तों, ये जस्टिस फॉर सोसाइटी का सेमिनार पिछले 3 टर्म से युवा आवास में होते आया, लेकिन इस बार लोगों का हजूम, जनसंख्या करीब करीब 5 से 10 हज़ार के बीच होने की संभावना रखी गई है, जिसके लिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता थी और इसी मद्देनज़र यह स्थान युवा आवास कम स्पेस होने के लेकर पास के ही भारतीय नृत्य कला मंदिर में इसकी व्यवस्था की गई है, जो 18 नवंबर 2018 को होगा। और यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेटनर्स जो ऐसे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, रिटेन और ओरल, वो लोग को भी बुलाया गया है और वो लोग का टाइमिंग शेड्यूल रखा गया है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पार्टिसिपेटनर अपनी अपनी मंतव्य, अपने अपने स्पीच जो है 5 से लेकर 8 मिनट के अंदर में देंगे। पुरस्कार वितरण समारोह भी उसी दिन होगा जी हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह हमें सेकंड पाली में हम लोग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर सोसाइटी के संस्थापक सचिव जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ये क्रांतिकारी काम कर रहे हैं समाज में, ताकि समाज में न्याय व्यवस्था कायम हो, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि पीड़ित होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जगह जगह ठोकरे खाते हैं और इसमें वो धरती को छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि न्याय नहीं मिलता है। तो आप एक क्रांतिकारी युवक हैं या कहें कि शांति दूत है, जो कि आप चाहते हैं कि समाज में न्यायिक व्यवस्था कायम हो, लोगों में प्रेम मोहब्बत भाईचारा जी जी भाईचारा समाज में कायम हो और लोगों के मन से डर भय और घबराहट सदैव के लिए दूर जी, तो ये जो आपका मिशन है उसमें आप कामयाब हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। रंजन कुमार, अमृत निधि, अमृत निधि न्यूज, पटना, बिहार। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।